हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जूलॉजी वीडियोज की सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी के अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और सेल डिवीजन के वीडियोज की सीरीज में मैं आपको सेल डिवीजन और उसके टाइप्स के बारे में, इसके अलावा माइटोसिस के बारे में और मियोसिस फर्स्ट जो है उसकी प्रोसेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम मियोसिस सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, और माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड, जैसा कि हमने मियोसिस फर्स्ट में देखा था कि वहां पर इंटरफेस थी, इंटरफेस में आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता था, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता था जिसमें प्रोफेज फर्स्ट आती थी। प्रोफेज फर्स्ट में पांच सब स्टेज हमने देखी थी, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस। और हमने देखा था कि फाइनली मियोसिस फर्स्ट के एंड में हमको टू डॉटर सेल्स प्राप्त होती थी, दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती थी जिनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता था वो उनकी मदर सेल के कंपेरिजन में कितना होता था, हाफ होता था। 2n के बजाय कैसे क्रोमोसोम नंबर थे, n क्रोमोसोम नंबर थे। तो दो डॉटर सेल्स थे हमारे पास, देखिए जैसे ये है, दूसरी डॉटर सेल है जिसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, न्यूक्लियोलस हो गई है और ये उनकी सेंट्रोसोम। अब ये जो दोनों डॉटर सेल है ये मियोसिस सेकंड में क्या करेंगी, ये मदर सेल का काम करेंगी, क्योंकि मियोसिस सेकंड में जाना है ये मदर सेल हो गई, और ये मियोसिस सेकंड में जाकर अगेन दो दो डॉटर सेल्स और बनेंगे। तो क्या होता है मियोसिस सेकंड होता है, तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, एक तरीके की इंटरफेज है। तो इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है जिसमें कुछ जरूरी आवश्यक पदार्थ जो है उनका संश्लेषण होता है, और उनकी मात्रा को क्या कर लिया जाता है, दोगुना कर लिया जाता है। तो इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करके दोगुना कर लिया। आफ्टर दिस, अच्छा दोगुना क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था जब मियोसिस हम पढ़ रहे थे कि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक एज ए माइटोसिस, माइटोसिस की तरह ही होता है। यहाँ पर क्या होता है मियोसिस सेकंड में कि इसमें भी n नंबर क्रोमोसोम है और इसमें भी n नंबर क्रोमोसोम है, इनके द्वारा जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगी, n होगी, मदर सेल के इक्वली होगी। तो इसलिए वही बात इक्वल करना है हमें, तो यहाँ पर आवश्यक पदार्थों को दोगुना करना होगा। तो इंटरकाइनेसिस हो जाती है, इंटरकाइनेसिस के बाद वही कैरियोकाइनेसिस आती है, कैरियोकाइनेसिस में वही चार स्टेज आएगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ओके, ये वाली सेल भी चार स्टेज से गुजरेगी, ये वाली सेल भी चार स्टेज से गुजरेगी। तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि सबसे पहले हमने आ गए यहां पर इंटरकाइनेसिस। ओके, इंटरकाइनेसिस के बाद यहां कौन सी स्टेज आएगी, इनमें प्रोफेज सेकंड, इसके बाद मेटाफेज सेकंड, आफ्टर दिस एनाफेज सेकंड, क्या होगा साइटोकाइनेसिस, और इसके बाद फाइनली क्या होगा, इससे भी दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी और इससे भी दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, आवश्यकता नहीं है, आप बुक की हेल्प से उसको देख सकते हो। जैसे मैंने बताया माइटोसिस के समान ही होगा, वही काम होगा मेटाफेज पर, यहां पर क्या होगा भाई,
इसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इसी भी बुक की हेल्प से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको बता दिए थ्योरी भी लगभग हम उसी तरीके से लिखते हैं, जब हम स्पेस के बारे में लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे जैसे कि हम लगभग लगभग उसमें माइटोसिस में लिखते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई मियोसिस सेकंड के बारे में। अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। ये तो हमारी बात आई थी आपका माइटोसिस, और इधर हम इसके बारे में बात करेंगे मियोसिस के बारे में। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस में, कि माइटोसिस जो है वो कैसी सेल्स में पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो है वो कैसी सेल्स में होता है। मियोसिस पाया जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स किसकी सेल्स होती है, ये टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है, जो वो वाली सेल्स होती है वेजिटेटिव सेल्स। बाकी जितनी भी सेल्स है वो वेजिटेटिव सेल्स ही होती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। जबकि इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ओके, थर्ड, इसमें वन टाइम में कंप्लीट होता है, जबकि ये इसमें होता है टू टाइम में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इसमें टू डॉटर सेल्स बनती है, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहां पर फोर डॉटर सेल्स, फोर डॉटर सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फाइव, ये किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जबकि ये किस लिए होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ एंड गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। माइटोसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो माइटोसिस के द्वारा रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा माइटोसिस जो है हमारे जो घाव वगैरह बनते हैं, घाव होते हैं, उनकी मरम्मत में भी काम में आता है। मियोसिस का रोल केवल इस गैमेट फॉर्मेशन करती है। एक चीज और होती है कि मियोसिस जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि मियोसिस पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम के नंबर को स्टेबल बना के रखता है। जैसे समझिए आप इस बात को कि ये कोई सेल मदर सेल है, तो वह जिसके क्रोमोसोम नंबर है। ओके, अब मान लो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक कोश के जीव इसके द्वारा जन्म करते हैं, तो रिप्रोडक्शन मान लो इन्होंने किया और एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, दो संततियां बन गई। अब वो दो संततियां मान लो बनी, तो क्या हो रहा है यहां पर कि इस संतति में भी ट्वेंट क्रोमोसोम आ रहे हैं, इस संतति में भी क्या आ रहे हैं, ट्वेंट क्रोमोसोम। तो यूनिसेलुलर जीवों में तो ये ठीक है, लेकिन हमारे जैसे मल्टीसेलुलर जीवों में क्या होता है, मल्टीसेलुलर जीवों में जैसे हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके का, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर होता है कि हमारे टू पेरेंट्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल, फादर एंड मदर, ये दोनों पेरेंट्स जो है एक से हमारे गैमेट बनते हैं, उनमें एक मेल गैमेट बन जाता है स्पर्म, ओके, एक फीमेल गैमेट बन जाता है, क्या बन जाता है, ओवम। अब मान लो पेरेंट सेल के टू एंड टू एंड क्रोमोसोम, और यदि यहाँ पर माइटोसिस हो, समसूत्री विभाजन हो, और स्पर्म में और ओवम में भी कैसे कैसे क्रोमोसोम आ जाए, टू एंड टू एंड, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा उसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगी, 4m। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, यदि 4m क्रोमोसोम नंबर जायगोट में रहेगी तो बनने वाला जो प्राणी है उसकी भी सभी सेल्स में कैसे क्रोमोसोम रहेंगे, 4m। फिर आगे चल के यदि 4n टाइप के जो प्राणी है वो गैमेट बनाएंगे तो उनकी संतति ऑफिस में 8n हो जाएगी, नेक्स्ट पीढ़ी में वो 16n हो जाएगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी
क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होती चली जाएगी, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो क्या होता है, मियोसिस होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, गैमेट्स में हाफ रह जाते हैं एन और एन, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एन और एन मिलकर क्या बना देते हैं, टू एन बना देते हैं। इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बना रहता है। ये अपने आप में जो है मियोसिस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मियोसिस का इसके अलावा और रोल कहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि क्रॉसिंग ओवर जब इसमें होता है तो उस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, इसके कारण संततियों में विभिन्नताएं आती हैं। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जो संतति है वो वेरिएशन क्यों होती है, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। माइटोसिस के द्वारा यदि रिप्रोडक्शन होगा तो संततियाँ जो बनेंगी, ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगी, वो बिल्कुल क्लोन होंगी अपने पेरेंट के, पेरेंट के बिल्कुल समान होंगी, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और यदि संतति में वेरिएशन नहीं आएगा तो संतति अपने एनवायरनमेंट के, अपने क्लाइमेट के अनुकूल नहीं हो पाएगी। बड़े जीवों में अक्सर लैंगिक जनन क्यों होता है, या हम बड़े जीव सक्सेसफुल क्यों हैं इस क्लाइमेट में, क्यों, क्योंकि हम जो ऑफ स्प्रिंग क्रिएट करते हैं वो हमेशा वेरिएशन लिए होती हैं, और वो वेरिएशन कैसी होती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है, जबकि इन जीवों में इस तरीके से नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम फाइनली ये भी कह सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण पार्ट कौन अदा कर रहा है, मियोसिस अदा कर रहा है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेज हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में जब मेटाफेज स्टेज आती है तो वहाँ पर सेंट्रोमियर जो होता है प्लेट पर होता है और आर्म अपोजिट मतलब पोल्स की ओर होती हैं, जबकि मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था कि सेंट्रोमियर तो ध्रुवों की तरफ, दर्घों की तरफ होता है, जबकि जो आर्म होती है वो किस साइड में होती है, प्लेट की साइड में होती है। तो इस तरीके के और भी डिफरेंसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज हमारी बात हो गई मियोसिस सेकंड और माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेज होते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है सेल डिवीजन का वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।